नमस्कार, आपका स्वागत है नेशन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वहीं बेगूसराय में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक किसान की हत्या कर दी। घटना उस वक्त घटी जब मृतक अपने घर के पास टहल रहा था, तभी अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें मृतक नीरज कुमार को 5 गोली लगी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े, तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। आनन फानन में नीरज इलाज के लिए बेगूसराय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि गांव की ही पूर्व सरपंच के बेटे के साथ मृतक का पुराना विवाद चल रहा था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे भाई को गोली लगा है। हम घर पे बैठे हुए थे, तकरीबन 7:30 बजे के लगभग हमको एक आदमी फोन किया जो नीरज चौधरी को गोली लगा हुआ है, आप अविलंब आइए। तो हम हाँ फिर पहुँचे, वहाँ पर घायल पड़ा हुआ था। तो हमने मुखिया जी को फ़ोन किए, हमको गाड़ी दिए, गाड़ी से लाद करके उसको हॉस्पिटल लाए। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ बेगूसराय से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। किसान की हत्या कर दी गई और वहाँ पर अब तक पुलिस के हाथ कोई चश्मदीद वहाँ पर लगा है क्या? और ये हमें बताइए कि इस घटना में क्या किसी और अन्य के घायल होने की सूचना अब तक मिली है क्या वहाँ से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा गांव का मामला है, जहां परिजनों ने पूर्व सरपंच के पुत्र पर आरोप लगाया है कि देर शाम अंधाधुंध फायरिंग कर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें राह चलते एक व्यक्ति को भी गोली लग गई। वहां पर स्थानीय लोगों ने आनंदफानन में उस घायल व्यक्ति को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहाँ स्थिति नाजुक बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद इलाके में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस अभी तक जो है, जो आरोपी को जो बनाया गया है, पुलिस अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में लगातार अपराधियों का कहर जारी है और पुलिस अपराधी के सामने कहीं ना कहीं दोनी साबित होते नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण लगातार बेगूसराय में देखने को मिल रहा है, जहाँ अपराधी बेखौफ होकर बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर बाढ़ से, जहां अनुमंडल के भटगांव से एक घटना सामने आई है, जहां मछली मारने के विवाद में एक शख्स को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति को आनंद फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बेहतर चिकित्सा के लिए PMCH रेफर कर दिया गया है। घटना के पीछे के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं मधुबनी के लौकहा थाना क्षेत्र के सोहरवा गुमटी के पास अपराधियों ने पूर्व पत्रकार को घर में भीषण लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद अपराधियों ने 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 2 लैपटॉप, 1 रोलेक्स घड़ी सहित 3 घड़ी और 24,000 रुपए नकद लूट लिए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गाड़ी तो यही हुई है कि उसका इनका जो अभी तो ऐसे रिटर्न में नहीं ले रहे हैं, जस्ट क्या क्या इनके घर से गया है वो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। बाकी तो जो मोटा मोटी है कि कुछ ज्वेलरी गया है। वहीं बाढ़ अनुमंडल के अतमल गोला थाना क्षेत्र के NH 31 पर एक ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऑटो सवार सभी लोग अतमल गोला थाना क्षेत्र के ही बताए जा रहे हैं। लड़का टेम्पो अनिल सिंह चला रहा था और ये आ रहा था बख्तियारपुर से पैसेंजर लेकर के गंज पर के चौक जो है वहां पर, जैसे 14 चक्का ट्रक जो सो लापरवाही पूर्वक आ रहा था गाड़ी चलाते, इसमें मारा है। ये तो वही स्पॉट डेड कर गया है और 7-8 घायल है। वहीं सीतामढ़ी में कपड़े की व्यवसायी की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक व्यवसायी 8 साल से बाजितपुर चौक पर कपड़े की दुकान चला रहा था, लेकिन अचानक उसके दुकान में पंखे से लटकता व्यवसायी का शव मिला, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो वहाँ का एक लोगों ने द्वारा बताया गया कि जो कि मधुबनी से जो है उसी समय से डिप्रेशन में रहता, डिप्रेशन के कारण ही उसने
वहीं पटना से कटिहार लौट रही कटिहार एडीएम की गाड़ी हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच 22 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कटिहार एडीएम रोजी कुमारी और ड्राइवर अजय कुमार बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों घायलों का इलाज हाजीपुर के ही एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां एडीएम की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि चालक आईसीयू में भर्ती है। जोरन पट्टी खाया लेकिन स्वस्थ है, कहीं से कुछ नहीं, हल्का दर्द का अनुभव है, दवाई दे दिया गया है और जो चालक है वो भी खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में नगर निगम के द्वारा 3 फ्लाईओवर ब्रिज पर स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक विजेंद्र चौधरी, महापौर सुरेश कुमार, नगर आयुक्त विवेक रंजन, विद्युत कार्यपालक अभियंता निरंजन कुमार उपस्थित रहे। वहीं विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर को और सुंदर बनाने का कार्य किया जाएगा। सभी साथी मिल करके आपस में मिल्लत बना करके सभी लोगों को जोड़ करके शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग और कर रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। अब देखिए शहर में जो लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, परिवर्तन हो गया। अभी 3-4 को पुल का मामला है। वहीं देश में कोरोना महामारी के दौर के बाद बिहार में 6-8 तक के बच्चों का स्कूल खुल गया है। हालांकि सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही स्कूलों में पढ़ाई शुरू की गई है। इसी कड़ी में अरवल में स्कूल खुलने के बाद बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान वलिदाद मध्य विद्यालय के छात्रों को स्कूल ने छात्रों के बीच मास्क वितरण किया गया है। गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बिंदा में इंडियन आर्मी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम इंडियन आर्मी फोकस के बैनर तले हुआ। वहीं दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को इनाम भी दिया गया। अगली खबर बॉलीवुड से आ रही है, जहां सिंगर कनिका कपूर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कनिका कपूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। कोरोना काल में आरोप लगा था कि सिंगर कनिका कपूर ने जानबूझकर वायरस को फैलाया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने विदेश से लौटने के बाद तथ्यों को छुपाया, मुंबई और लखनऊ में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई और इसी वजह से उनके ऊपर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक परिवाद दर्ज कराया गया है। अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए न्यायिक जांच का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।